शशा ना आई कन गए ऐशिम कौन है हां हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं और हिमायरा बैठे हुए हैं यहाँ पर। हिमायरा सुबह आके फिर थोड़ी जिद कर रही थी इसको इसके पापा के साथ जाना था, तो आंटी जी ने ये छोड़ दिया इसको और आके आइसक्रीम का थोड़ा लालच दिया है। फिर इसको अंदर लाई हूँ और आप देख रहे हो कैसे गॉगल्स पहन के निकली है बाहर, धूप इसी को लगती है। हाँ 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 अच्छा, वो क्रंची वाली चाहिए, थोड़ी सी इसको आइसक्रीम दी थी तो अभी इसको और चाहिए, थोड़ी और निकल के लाती हूँ। आइसक्रीम कौन लाया, कौन लाया? शाशा। कैसी आइसक्रीम? आइसक्रीम कैसी लगी? कैसी लगी आइसक्रीम? आइसक्रीम नहीं देने के नतीजे दूसरी बार मांगने पर इसे लेटा जाता है। कोई मेरा नाराज कैसे हुआ जाता है ऐसे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या हुआ? लो चलो आइसक्रीम दे दूँ, खड़े हो जाओ। चलो आइसक्रीम, आइसक्रीम चलो। उठ जाओ, चलो आइसक्रीम खा ले। आयशो आइसक्रीम, ये नाराज क्यों हो गई थी? कहाँ पे है आइसक्रीम? कहाँ पे? यहाँ पे। हिमायरा तो आइसक्रीम खा के गई और थोड़ी आइसक्रीम मिट्टू को भी खिलाई, तो मिट्टू को लगी थी बड़ी टेस्टी। और अभी मैं बना रही हूँ डिनर, सॉरी लंच। तो लंच में बन रही है आज कढ़ी रोटी और चावल, और भिंडी की कढ़ी बन रही है जो कि मेरी फेवरेट है। अभी मैं इसको बना रही हूँ, हालांकि मैं जो कढ़ी है उसका तड़का घी में ही लगा दी क्योंकि मेरे को घी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसका बैटर बनाना बाकी है क्योंकि अभी मैंने सिर्फ मसाले ही मिक्स किए हैं, इसका बैटर बनना बाकी है। तो बैटर बना देती हूँ और जल्दी से हो जाती हूँ फ्री, क्योंकि अभी बजे 11:30 और मेरा लगभग आधा खाना तो बन गया, 12 बजे से तो हो जाऊँगी फ्री। खाना कंप्लीट बन चुका है, मैं खा लेती हूँ चिकन। और इनका आना तो अभी यानी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि शॉप पे कस्टमर, तो मैं खाना खा के चली जाती हूँ शॉप पे क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ इस चक्कर में। तो खाना यहाँ पर खाना कंप्लीट भर देती हूँ और फिर खा लेती हूँ जल्दी से जल्दी। पंखा चालू करती हूँ, बहुत गर्मी है। मैंने खाना खा लिया है, वॉच पहन लेती हूँ, सॉक्स पहन लेती हूँ और फिर चलती हूँ शॉप पे। और मेरे कैमरे की बैटरी भी लो होने लगी, बैटरी चेंज हो गई है, वॉच पहन ली है, सॉक्स भी पहन लिए हैं। तो अब सीधा चलते हैं शॉप पे और लेट ना होते हुए, टाइम तो काफ़ी हो ही चुका है। शॉप पे आने के बाद मैंने जो आपको कल के व्लॉग में जो ऑफ़र बताया है उसका अच्छे से यानी लाभ उठाइए, क्योंकि अजमल पे इतना फर्स्ट बार मैंने मेरे व्लॉग में बताया है। हालांकि आता रहता है बट अभी जो सीज़न है वेडिंग का उसके अकॉर्डिंग परफ्यूम्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहने वाली है और समर्स भी हैं, तो इसलिए आप परफ्यूम अजमल का बाय कर सकते हो जो कि समर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। अभी शुगर के भी बहुत सारे गिफ्ट आ चुके हैं, तो शुगर की आप कोई भी चीज़ परचेज़ करोगे तो साथ में आपको ये पाउचेज और ये सब चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी, बट आपका जो बिल है वो मिनिमम 1000 से अबव होना चाहिए। तो आपको ये सारे गिफ्ट साथ में मिलेंगे, बहुत ही टाइप्स के अलग अलग हैं। पॉकेट, ये इस टाइप का पॉकेट है,
इसके बाद ब्लैक शर्ट में पॉकेट है, बहुत सारे। शॉप पे विजिट करते रहो, इससे आगे की जानकारी आपको शॉप पे ही मिलेगी। तो शॉप पे एक बार आओगे और शुगर के प्रोडक्ट्स परचेज करोगे तो ही पता चलेगा। आपने शॉप के सारे पार्ट्स देख रखे होंगे, पर ये वाला पार्ट बहुत ही कम दिखने मिलता है, जो कि है हमारा स्टोर, जिसमें आज हो रही है थोड़ी क्लीनिंग। तो सारा सब कुछ बाहर निकल रहा है और यहाँ पर चिकू भी सब कुछ देख रहे हैं। पहले सिर्फ एक ही रैक थी, फिर ये दो रैक्स बाद में रखी और चिकू ने परचेज करी, क्योंकि यहाँ सामान रखने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। एक छोटा सा आपको टूर दे दिया जा रहा है। क्या बोल रहे थे कल वाले व्लॉग में? व्लॉग में आए नहीं। अच्छा आए ही नहीं, ओरे ऑन। तो यहाँ पर है सारा स्टॉक, इसलिए इसको बोला जाता है स्टॉक रूम। स्टोर भी बोलते हैं बट स्टॉक रूम ज़्यादा निकलता है मुझे, क्योंकि सारा स्टॉक स्टॉक है। ये सारे अरमाफ के डीओ हैं और इधर साइड है अजमल, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जमा हुआ है अजमल का। पहले तो पूरी दोनों ही रैके अजमल से ही बनी हुई थी, पर अभी थोड़ा थोड़ा दूसरा दूसरा स्टॉक रखा हुआ है। अभी तो जगह है ना काफ़ी। मैं आ चुकी हूँ घर पर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और अच्छा ही नहीं लग रहा था, थोड़ा मूड भी अच्छा नहीं था। और फिर घर पर आके मुझे इच्छा हो रही है मैं आइसक्रीम खाऊं, तो अभी खा रही हूँ मैं आइसक्रीम, क्योंकि हिमायरा को सुबह खिलाई थी, थोड़ी सी तो खाली हुई है, तो वो जो चिकू की स्टाइल में कट कर देती हूँ। गर्मी भी फुल है तो आइसक्रीम हेल्प करेगी, अब तो मेरी आइसक्रीम गिर जाती। बड़े दिनों बाद आइसक्रीम खा रही हूँ, क्योंकि कल हम जो होटल गए थे ना, तो मैं को खाने की उठी थी पर ली, पर रात को खाना भूल गई। अभी शांति से बैठ के आइसक्रीम खाती हूँ और मेरा फेवरेट शो देखती हूँ टीवी पे। सोच रही थी कि टीवी देखूँगी, पर टीवी में तो अभी नेटवर्क अवेलेबल ही नहीं है, और वाईफाई चालू करने के लिए कहाँ चढ़ना पड़ेगा, ठेठ मेरे से चढ़ा भी नहीं जाएगा, तो रहने दो, चुपचाप सो जाती हूँ थोड़ी देर। और अभी टाइम हो रहा है 4:38, 4:30 हो रही है, थोड़ी देर सोने मिलेगा तो सही। कितना सो के सोऊंगी, थोड़ी देर सोई आधा घंटा यानी लेटी हुई थी, फिर उठी तो अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ, तो थोड़ी देर बाहर टहलती हूँ और ऐसे सब करूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं गई फिर हिमायरा के पास, और फिर हिमायरा को भी मेरे साथ लेके आ गई, और हिमायरा भी मेरे साथ आ गई है। हाय हाय। अच्छा चाची, पागल तो चाची को फ्लाइंग किस का तो हिमी। तो हिमायरा और मेरी दोनों की चलेगी है अभी बहुत ही डीप कन्वर्सेशन, यानी इसकी लैंग्वेज में बातें करेंगे फिर हम अभी। और अभी हिमायरा क्या खा रही है, क्या खा लो बेटा, ये क्या है? टाटा यानी तरबूज, जो कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बता रखा है, वो किचन में वो पूरी फ्रूट वाली जो बास्केट है उसको देख देख के पूरा बताती है किस क्या है क्या नहीं है। वाटरमेलन को ये बोलती है तता, यानी तरबूज। तता तता या याम याम करता याम करता याम कैसे खाते हो? कैमरा आप पकड़ लो, पकड़ो कैमरा, पकड़ो यहाँ पर सारी बच्चा पार्टी हिमायरा को खिलाने आई है। ओ नो बेटा, ये मुंह में नहीं डालते, गंदा है। व्हाट आर यू डूइंग? हाय तो बच्चे भी साथ साथ में हिमायरा को खिलाने आए, टाइम पास हो रहा है। चावल मैंने भिगा दिए हैं, और चावल भिगा दिए, थोड़ी देर भिगने देती हूँ, फिर प्याज व्याज नहीं कटिंग करूँगी, इतनी देर कपड़े समेट देती हूँ जो कि आपको फुल दिख रहे हैं पीछे। पहले रुक पहले हमने जब नव और मोरवी का दोनों का क्यूब टेस्ट लिया था, तब नव ने 1:45 में जमाया था, और नव ने
55, तो 10 सेकंड का कुल फ़र्क था। और आज वापस से हम कंपटीशन कर रहे हैं, देखते हैं दोनों में कौन जीतता है। तो अभी मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ, दोनों का साथ में ही होगा, साथ में दोनों का साथ में होगा टाइमर स्टार्ट, इसलिए कोई नहीं। वो क्या उस टाइम पे अपन टाइम नोट कर रहे थे, अभी कोई भी डिस्टर्ब नहीं करते साइड इनके सामने। कहाँ हो गई मैं? आयशु आयशु भैया खेल रहा है, देख लो ये भी बिगाड़ दिया। ये वाला थोड़ा लुक पे, वो भी ये वाला मैं लूंगा। चलो चलो टाइमर अब स्टार्ट करो। मैं गॉट शीट, मैं वाइट। 1 2 3 लेट्स गो स्टार्ट नाउ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार पापा का कॉल आ गया, मम्मी पे आ गया पापा का फ़ोन। तो अभी हम वापस से मेरा फ़ोन ले लिया है हमने, तो अब मेरे फ़ोन में टाइमर, तो सेम उसी तरीके से पूरा बिगाड़ दिया है। क्यूब दोनों के क्यूब दिखा दो भाई, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके तो हाँ बेटा इसको हेयरबैंड दे, हेयरबैंड दे, हेयरबैंड दे। चल ओके तो क्यूब को देख लें, क्यूब को एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से पूरा। तो हो गया स्टार्ट करो। मर्वी नव यू आर रेडी? 1 2 3 लेट गो। रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं टाइमर सेट करना पड़ेगा। वापस बिगाड़ो क्या हो क्या, मैं वापस बिगाड़ू पूरी बिगाड़ो। रेडी? रुको अब यहाँ पर, यहाँ पर रख दो एक बार क्यूब दोनों, फिर एक झटके से क्यूब लोगे ठीक है। दोनों कुछ गिरा क्या नीचे? गिरा। ओके तो अभी वापस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भी फ़ोन में मेरे को टाइमर का कोई आइडिया नहीं था। तो एक बार हमने ये क्यूब यहाँ रख दिए, नव को थोड़ा डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए ठीक है ना, सब दोनों साथ में, दोनों का कंफर्ट लगे ऐसे एक बार देख ले हम थोड़ा क्यूब वापस। हाँ चलो 1 2 स्टार्ट। देखो मैं वाला लोग करके तो मैं जल्दी जाऊँ और उनके फिगर बॉयज गर्ल बॉय गर्ल जल्दी बॉयज गर्ल का क्या जो? अरे तू काम करने अभी, एक मिनट होने वाला है, एक मिनट होने वाला है, होने दिया मेरे को जल्दी जवान है। क्विक 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 खिचड़ी बनानी हुई कैंसिल, और फिर डिसाइड हुआ कि पुलाव बनाना है, क्योंकि खिचड़ी इतनी पकी भी नहीं है। ये पुलाव हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो इसको कंप्लीट रेडी होने देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पकेगा तो टेस्टी बनेगा। और यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलता है एक अच्छे से ब्लॉग। ओके बाय।